गुजरात टाइटंस की जीत के बाद आया आईपीएल 2023 की पॉइंट टेबल में भूचाल। मुंबई इंडियंस हुई बाहर तो इन चार टीमों को लगा करारा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 के अब आधे मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, यानी कि सभी टीमें सात सात मुकाबले खेल चुकी हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि सात मुकाबलों के बाद पॉइंट टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर है और कौन सी टीम के कितने प्रतिशत चांस है कि वो प्लेऑफ में जगह पक्की करेगी या फिर कौन सी टीम हुई है बाहर। पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी चार टीमें इस बार प्लेऑफ में पहुँच रही है। आप हमें अपनी प्रेडिक्शन व फेवरेट टीम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण, पॉइंट टेबल के बॉटम से कि आखिरकार सबसे आखिरी नंबर पर इस समय कौन सी टीम मौजूद है। तो दोस्तों पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर फिलहाल दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। दिल्ली ने अब तक सात मुकाबले खेले, जिनमें से दो मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि पांच मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही इनके पास फिलहाल चार पॉइंट है जबकि इनकी नेट रन रेट की बात करें तो -0.961 है, यानी कि दिल्ली कैपिटल आधे मुकाबलों के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। बचे हुए सात में से अब इस टीम को छह मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है। साथ ही दिल्ली कैपिटल की हम बात करें कि आखिरकार इसके प्लेऑफ में पहुंचने के कितने प्रतिशत चांस हैं, तो सिर्फ 10% चांस ही है कि यह टीम अब प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। वहीं पर दोस्तों नंबर 9 टीम की हम बात करें तो यहां पर फिलहाल सनराइज हैदराबाद की टीम मौजूद है। SRH ने भी अब तक सात में से सिर्फ दो ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि इस टीम को पाँच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास फिलहाल चार पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.725 है, यानी कि इस टीम को भी अपने बचे हुए सात मुकाबलों में से अब छह मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है अपने दम पर प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। साथ ही इस टीम के प्रतिशत की बात करें कि कितने प्रतिशत हैं, तो ये टीम के पास भी 10% ही चांस है कि ये प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। वहीं पर दोस्तों नंबर 8 टीम की बात करें तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। KKR ने भी सात में से सिर्फ दो ही मुकाबले जीते हैं जबकि पाँच मुकाबलों में इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके पास भी चार ही पॉइंट है जबकि नेट रन रेट इनकी भी -0.186 है। अब बचे हुए सात में से इस टीम को भी छह मुकाबले जीतने हैं, यानी कि इस टीम के भी सिर्फ 10% ही चांस है प्ले ऑफ में पहुंचने के। वहीं पर आज के मुकाबले में मिली हार के बाद अब मुंबई इंडियंस की टीम नंबर 7 पर आ चुकी है। मुंबई इंडियंस ने भी अब तक सात मुकाबले खेले हैं जिनमें से तीन मुकाबले जीते हैं जबकि चार मुकाबले ये टीम हार चुकी है। इनके पास छह पॉइंट है जबकि इनकी नेट रन रेट -0.620 है। अब इस टीम को अपने बचे हुए सात मुकाबलों में से पाँच मुकाबले जीतने हैं प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए, यानी कि अब इस टीम के सिर्फ 30% ही चांस है कि यह टीम प्ले ऑफ में पहुँच पाएगी। वहीं पर दोस्तों नंबर 6 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम नंबर 6 पर मौजूद है। पंजाब किंग्स ने अब तक सात में से चार मुकाबले जीते हैं जबकि तीन मुकाबले इस टीम ने गंवाए हैं। इनके पास फिलहाल आठ पॉइंट है जबकि नेट रन रेट -0.162 है, लेकिन इस टीम के बचे हुए सात में से अगर ये चार मुकाबले और जीत जाती हैं तो ये प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, यानी कि 50% चांस है कि पंजाब किंग्स भी प्ले ऑफ में पहुँच पाएगी। वहीं पर दोस्तों अब हम आते हैं नंबर 5 की तरफ, तो यहाँ पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बेंगलोर ने अब तक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सात में से चार मुकाबले जीते हैं जबकि तीन मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके पास आठ पॉइंट हैं, साथ ही इनकी नेट रन रेट -0.008 है, लेकिन इस टीम को अब अपने बचे हुए सात में से चार मुकाबले जीतने हैं। लेकिन जिस प्रकार का परफॉर्मेंस विराट कोहली की कप्तानी में ये टीम अब करने लगी है, उसे देखकर 55% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। वहीं पर दोस्तों अब हम आते हैं नंबर 4 की तरफ, तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। LSG अब नंबर 4 पर आ चुकी है। इनके भी सात मुकाबलों में चार जीत है जबकि तीन मुकाबलों में हार हैं। साथ ही इनके पास भी आठ पॉइंट है लेकिन नेट रन रेट इनकी +0.547 है। नेट रन रेट बेहतर होने और अब सात में से इस टीम को चार मुकाबले जीतने हैं, लेकिन इनकी हम बात करें प्रतिशत की तो इनके भी 55% चांस है कि ये प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी।
वहीं पर दोस्तों अब हम आते हैं नंबर तीन की तरफ। तो यहाँ पर अब राजस्थान रॉयल्स की टीम नंबर तीन पर आ चुकी है। राजस्थान ने अब तक 7 मुकाबले खेले जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इनके पास फिलहाल 8 पॉइंट हैं, साथ ही इनकी नेट रन रेट भी +0.844 है। राजस्थान की टीम को देखा जाए और इनकी फॉर्म को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये टीम के अभी भी 60% चांस है कि प्ले ऑफ में जगह पक्की कर लेगी। अब इन्हें 7 में से 4 मुकाबले और जीतने भी हैं। वहीं पर दोस्तों अब हम आते हैं नंबर 2 टीम की तरफ। तो यहाँ पर अब आ चुकी है गुजरात टाइटंस। गुजरात ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 7 में से 5 मुकाबले जीत लिए हैं, साथ ही इनके पास फिलहाल 2 मुकाबलों में हार हैं, तो इनके पास अब 10 पॉइंट हो चुके हैं। नेट रन रेट इनकी +0.580 है। गुजरात टाइटंस को अपने बचे हुए 7 में से अब सिर्फ 3 ही मुकाबले जीतने हैं, यानी कि इनके पॉइंट प्रतिशत की बात करें तो 90% चांस है कि ये टीम अब प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। वहीं पर दोस्तों नंबर 1 टीम की अब हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 7 में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि 2 ही मुकाबले इस टीम ने भी हारे हैं। 10 पॉइंट अब इनके पास भी हैं, साथ ही नेट रन रेट +0.662 है। इस टीम को भी अब 7 में से सिर्फ 6 ही मुकाबले जीतने हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के चांस की बात करें तो इनके भी 90% चांस है कि ये प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करेंगे, लेकिन चेन्नई और गुजरात के बीच नंबर 1 व नंबर 2 बनने की होड़ रहेगी जबकि बाकी टीमें नंबर 3 व 4 की रेस में बने रहने के लिए अब संघर्ष करती हुई नजर आएगी इस आईपीएल में। फिलहाल पॉइंट टेबल का समीकरण यही बताता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का क्वालिफिकेशन पक्का है जबकि बाकी टीमें नंबर 3 व 4 के लिए लड़ती रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी 2 टीमें और आएगी? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।